हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद जय जवान। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैफ अली राजा हिंदुस्तानी ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो नए साल की NCC भर्ती प्रक्रिया हुआ था 2022 में, जो जूनियर डिवीजन की महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर में जो जूनियर डिवीजन की भर्ती हुई थी 26 अगस्त को, तो उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली जूनियर डिवीजन का लिस्ट आ चुका है। तो बता दें कि लिस्ट आने का तो टाइम लगभग वही लग गया है, 15 से 20 दिन लगा है लिस्ट आने में। तो आप लोग का बेसब्री से इंतज़ार था कि कब लिस्ट आएगा, कब लिस्ट आएगा। तो फाइनली लिस्ट आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, बगल में शो कर रहे हैं, यहाँ पर लिस्ट आ चुका है। आप लोग लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए, जितने लोगों का लिस्ट में नाम, अपना नाम और मोबाइल नंबर और gmail ID मैच कर लीजिए। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उन लोगों को मेरे तरफ से और मेरे यूट्यूब चैनल के तरफ से आप लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोग अच्छे से NCC कीजिए, 5 साल NCC कीजिए, उसके बाद फौज में भर्ती होइए, गोली चलाइए धनाधन धनाधन। और क्या है कि आप लोग NCC में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, फायरिंग वायरिंग काफ़ी मौका मिलता है। NCC जूनियर डिवीजन से जो NCC करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करेंगे जो एक क्रमांक संख्या 1 से 40 तक जिनका लिस्ट में नाम है, वे लोग तो मतलब कंफर्म एकदम 100% सिलेक्शन हो गए हैं। उनका सब कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल मेरिट जो बना था वो भी सब, मतलब सब A to Z सब पास आउट कर चुके हैं। और अब जो मतलब क्रमांक संख्या 40 से 49 के बीच में जिनका नाम है, वे लोग अभी पेंडिंग में इसलिए हैं क्योंकि वे लोग जब अपना फॉर्म ऑनलाइन करवाए थे तो फॉर्म ऑनलाइन करवाते समय कुछ मिस्टेक कर दिए थे, तो जिसके वजह से उन लोगों का अभी फॉर्म मतलब पेंडिंग में है। वे लोग भर्ती होंगे, हो गए हैं, समझ लीजिए भर्ती हो गए हैं, लेकिन बट क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वे लोग छट रहे हैं। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छटे हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, कोई भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों के बीच सुबह वीडियो अपलोड करने के लिए मैं सोचा कि आज नाइट में ही वीडियो बना दूं और सुबह अपलोड हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं टाइम काफ़ी मतलब लेट हो गया है, लगभग कितना बज रहा है, 11 से 11:30 हो रहा है, तो 11:30 बजे वीडियो सोचे शूट कर लें। पहले होमवर्क किए हैं, कुछ होमवर्क करने के बाद कल ड्यूटी में भी जाना है नौका विहार, वहाँ का लिस्ट तैयार करके भेजें सर के पास। उसके बाद क्या है कि ग्रुप बनाए हैं, तो ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, दिखाते हैं क्या क्या किसको क्या क्या कमी है।